गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप भी ठीक होंगे, ऐसी ईश्वर से कामना है। दिन की शुरुआत हो चुकी है और आगे देखिए क्या होता है। और सुबह खूब अच्छी हवा चल रही है, कल भी बारिश नहीं हुई और आज भी नहीं हुई। बादल बहुत काले काले हो रहे थे कि बारिश होगी, लेकिन नहीं हुई। तो चलते हैं, देखते हैं, जो हमारे बस में ही नहीं है हम उसके लिए कर क्या सकते हैं। होगी बहुत बढ़िया, लेकिन हवा में ठंडक है क्योंकि आसपास बारिश कहीं हो रही है। और सावन का आज तीसरा सोमवार है। सावन के चारों सोमवार, चार ही सोमवार पड़ रहे हैं इस बार, तो चारों सोमवारों का आज तीसरा मेरा व्रत है। और बस उसके बाद अगला जो होगा वो लास्ट व्रत होगा। तो बस उसके बाद राखी की चीज़ चल रही है कि ये थोड़ा सा इस समय यही रहता है कि एक अलग सा माहौल हो जाता है। जैसे नौ देवी आती हैं तो उस समय लोग अपने नौ दिन के व्रत रखते हैं, एक अलग ही भक्तिमय माहौल हो जाता है। वही आजकल यहाँ है, क्योंकि यहाँ शिव जी का बहुत महत्व है। शिव जी के चारों दिशाओं में मंदिर है और वो लोगों ने खुद स्थापित नहीं किए हैं, वो किसी न किसी रूप में वहाँ प्रकट हुए हैं। और उसकी भी अपनी एक अलग कहानी है और इसलिए उन मंदिरों की बहुत मान्यता है। तो बस यहाँ उस वजह से भी बहुत ज़्यादा भोलेनाथ का आशीर्वाद रहता है। दोस्तों, आज सावन का सोमवार था, व्रत था, तो हमने कहा शाम को मंदिर में दर्शन कराएं, क्योंकि वैसे तो निकल नहीं पाते हैं। तो हमने कहा कि शाम को मंदिर में, तो मेरी छोटी बेटी ले जा रही है, पास में ही है तो पैदल जा रहे हैं, तो दर्शन करके आते हैं, आपको भी कराते। चलिए, शॉपिंग कर रही है। आइए दोस्तों, डिनर तैयार है। आज सोमवार का व्रत था तो इसलिए आज व्रत का वो बना है खाना, तो दाल, बीन्स की सब्जी, रोटी, सेवई की खीर और चावल। आप भी खाइए, हम भी खाते हैं। इंतजार कर रहा है, पीछे से खड़ा होकर देख रहा है। चल ना, चुवांगी के बिना नहीं जाएंगे। चुवांगी ले, शिवांगी ये वाली हड्डी खा ले, लेकिन चल ले, चल ले, तो मेरी वाली हड्डी खा ले, ये स्पेशल हड्डी है ना, ये खा ले, लेके तू चल ले घूमने। मेरे को बड़ी मुश्किल से तो घूमने को मिलता है। फिर घूमने जा रही, फिर आप घूमने जा रही हो, कौन ले जा रहा है आपको? कौन जा रही है मेरा? बैठ गया, वो बैठ गया, अब मेरे में हिम्मत नहीं है। ये गया, वो गई, वो दीदी दीदी गई है। अरे वो दवाइयाँ खा रहा बेटा। मान नहीं, मान नहीं, मान नहीं, शिवांगी घूमने नहीं जाएगी। शिवा जा रहा, फिरो फिरो जा रहा है, चल ना, चल फिरो को जाना है, चल 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 चलिए दोस्तों, आज का पूरा दिन बड़ा ही स्ट्रेस वाला रहा।
ये नहीं कहेंगे कि काम ज़्यादा था, बस ये था कि सुबह से ही पानी बंद। हमने नीचे फ़ोन किया कि पानी क्यों नहीं आ रहा है, तो पता चला कि मोटर सुबह चलाई थी लेकिन टंकी नहीं भरी है, मोटर में खराबी है। 9 बजे करीब आएगा तो ठीक करेगा, लेकिन 9 बजे से कह रहे हैं आ गया है और लेकिन हुई नहीं। और कब हुई है, 3 बजे जाके, उसके बाद फिर टंकी में पानी चढ़ा, तो वही 4 बजे के करीब पानी आया, वो भी बहुत धीमे धीमे धीमे। तो बस पूरा दिन वो पानी के चक्कर में इतना टेंशन में रहे, भर के भी रखेंगे तो कितना रखेंगे, वॉशरूम जाना है और फ्रेश होना है सबको, और बर्तन हैं, साफ़ सफाई है, सभी में पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो कितना आदमी भर के रखे। तो जो भरा हुआ था वो फ्रेश होने में उसमें चला गया। तो बस आज पूरा दिन पानी की टेंशन में बीता। तो व्रत का तो पता ही नहीं चला, व्रत तो था ही था लेकिन पता नहीं चला। 4 बजे के करीब जो काम था वो फटाफट किया, घर पूरा की सब जाके हुआ। और अब ना बहुत थकावट की हो रही है, आजकल मेरे पैर में दोबारा से दर्द शुरू हो गया है, मेरी उंगली में सूजन है उसमें दोबारा से दर्द शुरू हो गया है। तो बस शाम होते होते तक ना मेरा दर्द इतना बढ़ जाता है कि मैं फिर लेट जाती हूँ, नींद आए या ना आए। मिलते हैं फिर, गुड नाइट, नई सुबह नई सोच के साथ।